मिलते हैं दोबारा। ये बच्चे बहुत आ गए पेट्रोल पंप पे। उम्मीद है कि सब भाई ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। करते हैं अपना आज का व्लॉग स्टार्ट। तो आज हम जा रहे हैं ऑफ रोडिंग पे, तो आज का व्लॉग भाई आएगा ऑफ रोडिंग पे। तो भाई अपने साथ है साबिर भाई और ये बशीर भाई। बशीर भाई कैसा फील कर रहे हो, मजा आ रहा है आपको? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो भाई आज अपने भाई भी साथ आए हैं बशीर भाई, और पीछे कोई भाई की गाड़ी है, और फेरोज भाई ने बोला आप चलो अगर उसको टाइम मिला तो, क्योंकि उनको घर में कुछ फंक्शन है, अगर हो सके तो फेरोज भाई आएगा, नहीं तो आज कोई भाई और हम, क्योंकि हमारा प्लान है आज 3 दिन वहीं पे हमारी कैंपिंग हो जाएगी, तो इंशाल्लाह आगे देखेंगे भाई। पहुंच गए जी हम ब्रनवार। तो अभी ब्रनवार के रोड में चल रहे हैं भाई, देखो रोड की हालत। हमने सोचा भाई आज रोड अच्छा होगा, मगर नहीं, फिर भी आज वही कीचड़ ही कीचड़ है। ये अपने कोयम भाई बच्चों को पकौड़े बांट रहे हैं, हमने यहाँ से लिया तो ये बच्चे बहुत आ गए, बोला इनको दे दो बांट के, खाओ भाई खाओ। हो गया अपना काम फाइनल। तो भाई लोग आपको बोला ही था, हम पहुंच गए हैं डिस्कल, ये जगह है डिस्कल। अभी कल हमारा प्रोग्राम रहेगा जाने का, टेंट तो हमारा लगा ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये भाई लोग रहते हैं, इन्होंने बोला कोई चक्कर नहीं है, जब जो भी चीज़ आपको ज़रूरत है हम देंगे, हेल्प करेंगे, इनने हमारी बहुत हेल्प की। तो भाई कल हम यहाँ डिस्कल से निकलेंगे पीर गली के लिए, तो ये रास्ता जाता है पीर गली का, अपनी गाड़ियों में जाएंगे, टेंट हम लगा के ही रखेंगे, कल नाइट भी हमारी यहीं होगी इंशाल्लाह। मिलते हैं दोबारा। अपने कोयम भाई और भाई देख सकते हो अपना टेंट भी फाइनल हो गया, देखो भाई कोयम भाई टेंट अपना फाइनल हो गया भाई, हो गया फाइनल भाई। भाई अब क्या करना है, खाना और अब खाना पकाना है, तो खाना है तो सोना है, टेंट में रहेंगे आप। चलो भाई एंजॉय करेंगे, एंजॉय। हाँ। उसीलिए तो हम आ गए ना। कल हमें कहाँ जाना है, कल सवेरे कहाँ निकलेंगे हम? ऊपर कौन सी जगह? गाड़सर। और उसके बाद गाड़सर से आगे कहाँ जाना है हमें? पीर गली। पीर गली। हाँ। चलो भाई कितने दिन हम यहाँ रुकेंगे कोयम भाई? 3-4 दिन। 3-4 दिन, जब तक वहाँ 24-25 खत्म नहीं होगा तब तक हम भाई यहाँ ही बैठेंगे, ठीक है? ये अपने फिलो भाई और वो साबिर भाई, देखो साबिर भाई को मैं यार पूरा कश्मीर घुमाऊंगा। साबिर भाई सामान तो हमने सारा कुछ लाया साथ, किसी चीज की जरूरत तो नहीं पड़ी? नहीं। चलो भाई भाई लोग, हम दूधनारी पहुंच गए हम अपने फुल टॉप पे, तो आगे भी देखते हैं गाड़ी कहां तक जाएगी। भाई हम जाएंगे आज, आज अपना मिशन कंप्लीट करके आएंगे इंशाल्लाह।
ये बर्फ ही बर्फ, बस थोड़ा रह गया हमें, ये आधा एक किलोमीटर का रास्ता है, एक किलोमीटर रास्ता होगा। तो इंशाल्लाह आज अपना मिशन कंप्लीट हो गया, जो शौक था भाई वो तो आज हमने अपना कंप्लीट कर दिया। भाई ये जगह को बोलते हैं दूधनारी, दूधनारी मेरे ख्याल से इसलिए रखा है क्योंकि जो पानी आ रहा है ना, ये दूध जैसे दिख रहा है, आप देख सकते हो गाइस, पूरा दूध जैसे दिख रहा है। देखो भाई, भाई मुझे लग रहा है कोई कोई बंदा यहाँ आया होगा। बस ये जो पहाड़ है ना, जी जी, पीर गली का पहाड़ है वो वाला। हाँ वो ये वाला ये, हाँ मैप पे देखा ना हमने, देखो ये हमें, ये हाँ। पीर गली है, ये बीच में ये बर्फ वाला पहाड़ है। कोई जाएंगे ना, हम कंप्लीट करेंगे ना इंशाल्लाह। मतलब ये पहाड़ का फर्क है, आज भी हमारा नाइट है, इंशाल्लाह हो जाएगा कम्प्लीट। भाई ये देख सकते हो भाई, वो वाला पहाड़ी जिसपे बर्फ है ऊपर वाला, तो ये पीर गली है भाई। और देख सकते हो हम कहाँ पे है भाई, दूध नारी बोलते हैं इसको क्योंकि ये पानी दूध जैसे दिख रहा है। देखो भाई कहाँ आ गए हम, पूरे टॉप पे हम आ गए भाई। साबिर, और भाई देख सकते हो अपने साथ अपने कोयम भाई की गाड़ी हमने नीचे रखी क्योंकि गाड़ी में कुछ गड़बड़ लगा हमें, हमने बोला एक ही गाड़ी में जाएंगे। और आपको बोला ही था भाई, बशीर भाई के पैर जल गए, तो उस वजह बशीर भाई भी बैठ गए और दूसरा भाई भी साथ है वो भी वहीं बैठ गया। तो हम लोग मेरी गाड़ी में तीन बंदे इधर आ गए, आप देख सकते हो भाई, क्योंकि हम आए थे इसी मिशन के लिए, तो हमने सोचा नहीं मिशन पूरा करेंगे इंशाल्लाह फिर देखेंगे, क्योंकि हमने टेंट वहीं पीछे ही लगाया है, वापस जाना है हमें। अभी देखेंगे कितना टाइम रुकेंगे क्योंकि बारिश भी आने लगा, यहाँ पर हल्का हल्का बारिश आने लगा, इधर कोई मौसम का भरोसा नहीं रहता भाई। ये देखो भाई, उधर से भी कुछ माल मवेशी वाले भाई हैं, तो उन्होंने वहाँ पे आग वाग चलाई है, क्योंकि आपको बताइए भाई यहाँ पर खतरा होता है जंगली जानवरों से, क्योंकि कल रात हमें भी लगा कोई जंगली जानवर था, तो फिर हमने आग जलाई, उस वजह से हम फिर डरे नहीं। कहाँ पहुँच गए भाई, कहाँ पहुँच गए भाई, कहाँ पहुँच गए हम, ये दूधनारी। अब इससे आगे, क्योंकि इसका नाम इसलिए दूधनारी रखा है मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ से पानी जो है ना बराबर दूध जैसा है, दिख रहा है बराबर। तो मैंने सुना था इसको बोलते हैं दूधनारी, तो मिशन कम्प्लीट हो गया। हमारा मिशन तो वो आगे वाला है, हाँ फिर भी नहीं था इंशाल्लाह, बस हमें भी आधा घंटा वहाँ तक लगेगा। ये पहाड़ है ना, ये वाला जो बर्फ वाला है, ये वाला, हाँ वो वाला, ये पीर गली है। हाँ। इंशाल्लाह अपना मिशन वहाँ पे रहेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अभी हम देखेंगे कितना टाइम लगेगा, बस मेरे ख्याल से ही आधा पौना घंटा लगेगा इंशाल्लाह। टाइम कितना हुआ भाई, अभी हो गया टाइम 4 बज गए पूरे, हाँ 2-3 मिनट 4 बजे में हम अपना मिशन कम्प्लीट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अपने दो भाई नीचे ही है, क्योंकि आपको बोला था भाई बशीर भाई का पैर दोनों चल गए, गर्म पानी पड़ गया उसको, गाड़ी में हमारी गाड़ी कुछ पाइप निकल गई, उसे गर्म पानी आ गया, बशीर भाई का पैर चल गया। तो भाई आज मैं फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ, इधर का नेटवर्क फुल आ रहा है, हाँ नेटवर्क आ रहा है बट फोन नहीं लग रहा है, मैसेज आ रहे हैं जियो का नेटवर्क फुल है, अब फोन ट्राई करो, फोन नहीं लगेगा, खाली अगर आपके मैसेज कैसे जाएंगे व्हाट्सएप पे जो भी आप चलाते हो, वो मैसेज आएंगे बट फोन नहीं लगेगा भाई। एक चीज़ गलती हो गई हमसे, टेंट साथ लाना था, टेंट साथ लाया होता ना, हाँ टेंट लगाते हैं हम यहाँ पे ऊपर वो टॉप पे, हाँ अपना टेंट वो टॉप पे लगाते हैं, कहाँ पे, हाँ जो बर्फ वाला है ना, हाँ बर्फ के साथ हमारा टेंट लग जाता है, तो अलग ही मजा ही अलग आता है। चलो भाई यार क्या, चलो वहाँ भी अच्छा है, करो भाई वहाँ पर भी अच्छी जगह है, वहाँ पर वो माल मवेशी वाले बेचारे ने हमें बहुत हेल्प किया है, बहुत ज्यादा हेल्प किया, क्योंकि हमने किसी चीज की कमी नहीं रखी थी घर से लाने को, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। वो देखो भाई वहाँ पर वो आग जलाए हैं ना, यहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं, वहाँ पर ऋषि वाले बेचारे हैं, इनको जलाना पड़ता है भाई। जंगल में आओगे ना, इधर नाइट के लिए आओगे, थोड़ा टेंट से आगे हल्का आग लगाना जरूरी है, जरूरी जरूरी, जानवर ज्यादा आते हैं, कोई भरोसा नहीं होता है, जंगल सब कुछ खराब होने वाला है, हाँ बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, ठंड भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, अभी हम जैकेट वैकेट लगाएंगे, थोड़ा ऊपर जाएंगे भाई, तो जाएंगे नहीं भाई,
मिशन पूरा करना है हमें पीर गली तक। वो जो देखो कोई भाई वो वाली पहाड़ी है ना, हाँ। ये वाला है ना नीचे वाला पहाड़ी, उसके पार है ना वो पहाड़, हाँ। वही पीर गली बस, ये एक 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। चलो चलते हैं, शेयर करेंगे इंशाल्लाह पूरा। ओके चलो चलो भाई, आगे मिलेंगे ठीक है इंशाल्लाह।